अभी भी की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हर हर महादेव के जयकारों के साथ खोले गए केदारनाथ मंदिर के कपाट, 20 कुंटल फूलों से सजाया गया महादेव का परिसर, मंत्रोच्चारों और आर्मी बैंड की मधुर धुनों के साथ भगवान केदारनाथ के कपाट सुबह 6:20 पर खोले गए। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी जगत गुरु रावल भीम शंकर लिंग शिवाचार्य ने कपाट खोले। इस मौके पर मंदिरों को फूलों से सजाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु भी मौके पर मौजूद रहे। मंदिर के कपाट खोलने के बाद श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई। चार धाम की यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार ने श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अगर आपको भी केदारनाथ जाना है तो उसके लिए आपको उत्तराखंड सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उत्तराखंड सरकार के मुताबिक चार धाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से भी ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराई है। कोरोना महामारी के बाद चार धाम यात्रा के शुरू होने पर श्रद्धालुओं की तादाद में हुए इजाफे से उत्तराखंड सरकार काफी खुश नजर आ रही है। बता दें कि उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा मौजूद है। राहत की बात यह है कि केदारनाथ के लिए आपको हेलीकॉप्टर यात्रा बेहद सस्ती पड़ेगी और आप हेलीकॉप्टर यात्रा के लिए 1 मई से 7 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।